गाइस तो वॉशरूम वॉशरूम हो गया है, फाइनली हम लोग बैठ गए। आर्यन की सीट वहाँ पे आ गई। हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार सभी लोग को। तो ये जो है ना, इसने बचाया है इसको, अब मैं जा रहा हूँ ये बनने, अब हम दोनों मिलके बचाएंगे धूम। क्या बोलता रे? अच्छा बात ये थी कि मम्मी मेरी गई हैं हॉस्पिटल, मतलब मेरी खाला की लड़की, उसका बेबी हुआ तो उसके पास रात में रुकने के लिए मम्मी गई हैं। आयुमाना मुंबई हैं, तो आर्यन आ गया था थोड़ा सा कहीं हम जाके सुसाइड उसाइड ना कर ले। आयुम ने भेज दिया था आर्यन को कि भाईजान का ब्रेकअप हुआ है, आर्यन थोड़ा संभालना आगे। तो मेरा आर्यन ऐसा संभाले कि मेरा प्लान बना कहीं जाने का, ये देखो ये संभाले। अब हम लोग जा रहे हैं कश्मीर, कुछ ज़्यादा ही संभाल लिया आर्यन ने। तो हम लोग का प्लान बन रहा है कश्मीर जाने का, और वहाँ अभी जहाँ से जाएंगे दिल्ली। तो पहले मैंने अपनी टिकट करी, तुरंत प्लान में आया कि आर्यन को भी लेकर चलते हैं, तो आर्यन की भी टिकट हुई। अब हम लोग दोनों जाएंगे 9:30 बजे से वंदे भारत से, रात भर के जागे हुए हैं, वंदे भारत से जाएंगे हम लोग, कहाँ बोलते हैं दिल्ली, 4 बजे, 4 घंटे में पहुँचा देगी वो दिल्ली, 4 घंटे में, 9:30, 4:30 घंटे में, समझे? बाप रे बाप, ठीक है। तो चाबी कहाँ दे के जाना है ये थोड़ा सोच रहे हैं, और हम लोग को ब्रह्मदेव तक कौन लेके जाएगा ये थोड़ा सोच रहे हैं, तो वो सॉर्ट आउट करते हैं। और एक दो चीज़ और रखनी होगी, रख लेंगे चश्मा, रख लेंगे, ठीक है। दवाई हाँ, ये खा के जाएंगे, ये रख लेंगे, यही ऊपर तंबाकू भी रख लेंगे, स्वागत वाले तो खाते तो हो गए नहीं कर रहे, वो बना के दे दे कोई तो बात अलग है। तो इन लोग तो जब देखो उन लोग को ये दबी रहती थी, और खाए भाई थी। जब बात करते तो थूकते हुए मिलता था हमको, बे यार मजाक कर रहे। तो यहाँ पे बिल्लियों का हाल ये देखिए। तो जल्दी जल्दी से बता दूँ मैं क्यों जा रहा हूँ दिल्ली, क्योंकि बताया ना कश्मीर जा रहा हूँ, कश्मीर देखा नहीं था, मनाली 7 बार घूम के आ गए, तो कश्मीर जाके थोड़ा सा, हाँ एक जंग है, जन्नत का एक दूसरा दरवाज़ा। यह हमें लग नहीं रहा कि 20 डिग्री टेम्परेचर बता रहा है, 10 कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा 20 नहीं नीचे ही होगा, है ना, हट जाएगी जितना सोच रहे नहीं भे, गुलमर्ग का देखे हम यार। एनीवेज कोई आया बाहर, सारी चीज़ें सेट हो गई गाइस, बस फाइनली एक ये एयरपोर्ट थोड़ा सा चार्ज करके रखा था, और बस अपनी सारी बलाएं छोड़ के जाना है, आज से दूसरी ज़िंदगी का आगाज़। अब ये बताओ हम लोग को छोड़ने कौन जाएगा वहाँ तक, बर्गर को थोड़ा सा बीच में डाल दो बाद में। तो अभी से और स्कूटी कहाँ रखे, क्या बोल रहे, क्या बोल रहे हैं, एयरपोर्ट लग दो, बस वॉलेट भूल लो, वॉलेट में कुछ है भी नहीं मेरे, बाहर आओ बाहर 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 गर्मी तो यार है बहुत ज्यादा। जल्दी पहुँच गए, मतलब 9 बजने वाला है, 8:40 हो रहा है और जल्दी आ गए। गाइस पता नहीं वंदे भारत कौन से उसमें है, स्वतंत्रता सेनानी
वंदे भारत किसने आएगी। बहुत तेज धूप लग रही है कसम से, बहुत ही ज्यादा तेज धूप है। आर्य नारा यार, कितने पे आ रही खल पे? पांच पे? पांच पे आ रही है। हाँ हाँ, यहाँ पर रुक गए क्योंकि ऊपर लगा पंखा और बहुत तेज गर्मी लग रही है। हाँ, मुझे शर्म नहीं आती है, मुझे शर्म नहीं आती कहीं पे भी बैठने में। तो मैं बैठ सकता हूँ भाई, बिल्कुल भी मुझे शर्म नहीं आती। लोग मुझे देख रहे हैं कि क्यों बैठ गया ऐसे यार, इतनी गर्मी है ना कि मैं अभी रंगबाजी मेंटेन नहीं कर सकता अपनी। एक तो रात भर के जागे हुए, सीधे यहाँ से जाएंगे लिफ्ट, लिफ्ट के ऊपर फिर सीधे फाइव में, पेट इतना निकल गया ना गाइस क्या बताएं, बस किसी तरह से मैनेज कर। खाना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं खाना है, मैंने सोचा हुआ है। अब इधर से निकल रहे हैं सीधे भाई साहब, मेरा तो मन कर रहा है इसके अंदर जाके बैठ जाए। आर्यन, यहाँ से एक लिफ्ट होगी, लिफ्ट के ऊपर चढ़ेंगे। हाँ, लिफ्ट के ऊपर चढ़ेंगे फिर वहाँ से पाँच रुपये निकल लेंगे। कुछ खाने पीने का मन नहीं है, बस पानी रख लेंगे। अब आप गाइस, सबसे दिक्कत वाली बात यह है कि बैठ के जाना है। शर्माएगी, घबराए पास आएगी, उसे न जाने के तले हम दीवाना। मैं चला उसे, अरे इतनी बड़ी गोची हो गई। तीन वंदे भारत है, हम लोग प्लेटफॉर्म फाइव पे चले गए, ट्रेन का नंबर नहीं देगा, बस वंदे भारत दिखा हुआ था और प्लेटफॉर्म फाइव पे चले गए। वहाँ बैठे 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 आर्यन ने देखा कि प्लेटफॉर्म वन पे आ रही है। हद है यार, कसम से एकदम आगे दिया है फाइव। फाइनली गाइस, अब गाड़ी के अंदर जाके बैठेंगे, बहुत ज़्यादा नींद आ रही है और चार साढ़े चार घंटे में ये पहुँचा देगी दिल्ली। वहाँ जाते ही होटल लेना पड़ेगा और होटल ले जाकर छू हो जाएंगे। चलो रात में कसम हो गया है। फाइनली हम लोग बैठ गए, आर्यन की सीट वहाँ पे आगे 19 नंबर, लेकिन अभी मेरी सीट पे बैठा है और अब जा रहे हैं सोने चश्मे लगा के। बाय, अल्लाह हाफिज़। अब रुक के स्टेशन पे ही, दिल्ली स्टेशन पे ही मिलते हैं, जो भी है वही होगा। चलो भाई, जैसे ट्रेन में घुसे वैसे ही ट्रेन बंद, गेट बंद हो गया था साला। आज तो मजा ही आ जाता। सो के उठ गए, एक घंटा तो सोए होंगे ना? डेढ़ घंटा तो सोए गाइस। अभी खाना खा लिया है, चाय पी लिया। चाय में लग रहा है कि लॉन्ग फूड के क्वेश्चन ने डाल दिया। एनीवेज, होटल बुक हो गया, आप जाके सीधे होटल में जाके रुकना है, वहाँ जाके पैर फैसा के सो जाएंगे। आर्यन, देखना है कि क्या तरीका है जाने का। हाँ, वो तो देखा जाएगा, पहले उसकी स्थिर से पहले वहाँ जाना है, सोना है पहले। यहाँ नहीं नींद हो पा रही है। हाँ तो गाइस, रुक गए हम लोग, थोड़ा बहुत सोए और दिल्ली आ गए। जैसे कि मैंने बताया था, होटल बुक हो गया है, अब हम सीधे जाएंगे होटल पे। अभी बाहर तापमान बहुत ज़्यादा है, 48 तक है, बस लेंडा बाजार लगा हुआ है, कुछ निकलते हैं गाइस। ठीक है भाई साहब, इतना ऐसा लग रहा है तमाचे पड़ रहे हैं। आए हाय, ओए होए, आए हाय, ओए होए,
बदोबदी 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 अखलड़ी बदोबदी मौका मिले कभी कभी मेरे भाई यार तप रहा हूँ आपने यहाँ से एक ड्रॉप कर लीजिए सामने ये नीला बोर्ड दिख रहा है यहाँ मेट्रो जाने के लिए 10-10 रुपये सवारी ले रहा होगा होटल आएगा भाई साहब जो गर्मी पड़ रही है कसम खुदा की 48 डिग्री पूरा ये सब तप रहा है ये सब मेटल पूरा तप रहा है अच्छा वो 10-10 रुपये बोल रहा था दस नहीं जाते गाइस ये माचिस की डिबिया में आ चुके हैं हम लोग इतनी इतना बकवास रूम है कि इसका जितना बुराई कर सके उतना कम है हमारे एक दोस्त हैं उन्होंने बुक कर दिया था क्यों बुक कर दिया था क्यों ही कर दिया था वो एक तो माधर क्या बोलते हैं स्टेशन 500 मीटर दूर है ई रिक्शा बाहर 45 डिग्री ई रिक्शा यहाँ से यहाँ आने में बोला 20 रुपये लेंगे हमने कहा इसको 50 दे दिया जाएगा यार बोले 100 रुपये दो यहाँ पे आते ही पलट गया इतना मतलब जैसे कि 100 करोड़ की डील 10-10 रुपये तो 50 रुपये दे दिया जाएगा हाँ हम भी सोचते इतना, इतना गर्मी है 10-10-20 रुपये क्या 50 रुपये तो देगा 30 रुपये बढ़ा के देंगे हम उसको बोले 100 रुपये जैसे कि डील हुई थी अरे बाप रे बाप हमने इनको दिया पैसा ऊपर आए यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो रूम बुक किया था ले उसमें एक बात ये है कि वो रूम अभी खाली नहीं है ये दूसरा रूम भेज रही जिसमें एसी नहीं चल रही तो एसी इसमें नहीं चल रही अब कल निकलना चाहिए कि आज निकलना चाहिए आज निकलना चाहिए तो कैसे निकलना चाहिए वो सब प्रोसेस देख के फिर आप लोगों को बताते हैं यार गाइस ऐसे तो बैठे बैठे लग रही है भूख अब हम लोग सोच रहे हैं कि कुछ चल के खा लिया जाए नीचे लेकिन गर्मी बोली हम ही रहेंगे गर्मी बोली हम ही रहेंगे इसने बोला था कि 1 घंटे के लिए रूम में आप नॉन एसी बस थोड़ा सा कम एसी चल रहा है घंटा कुछ नहीं चल रहा है और बोले 1 घंटे के बाद आपको रूम बदल देंगे वो 1 घंटे से ज़्यादा हो गया रूम ही नहीं बदल रहे हैं तो ये तो हाल है बस में हमें लग रहा है जब तक टिकट करना होगा ना तब तक पीछे की लाश की दो ही बचेगी और पीछे का नहीं पीछे को चलता बहुत भाई नहीं मतलब पीछे को इससे भी लड़ेंगे दुम में से लड़ेंगे उछल के आगे आ जाएंगे देखो क्या होता है कोई हम लोग को 30-40 हज़ार रुपये दे दें तो फ्लाइट चली जाए बस के अलावा हाँ यार ये मिल जाए तो मज़ा ही आ जाए 30-40 हज़ार थोड़ी ना दे देता हो कोई किसी को हाँ एक छोटी मोटी रकम का ही लो अबे नहीं बोले इतना थोड़ी ना कोई दे देता होगा नहीं देता होगा किसी को क्या तुम्हें लगता है दे देते होंगे लोग 30-40 हज़ार क्योंकि वापस ना लें हाँ क्यों नहीं देते होंगे भाई अबे यार ये कैसे 30-40 हज़ार रुपये है गाइस 30-40 हज़ार रुपये किसी को दे दोगे तुम लोग और वापस नहीं मांगोगे कितनी बार किया है तुम लोगों ने ज़िंदगी में ये देखो सब हंस रहे कोई मान ही नहीं रहा इस बात को 40-40 लाख ले लिया मैंने तुम 30-40 हज़ार की बात करो 40 लाख बोला तो सबको यकीन हो गया हाँ इसीलिए मैं एक कंजड़ हूँ 50 लाख लिया तारी दौलत तारा मान तारा गुस्सा तारा हाय गाइस तो इस समय हम लोग हैं रात के 3 बजे ढूंढ रहे हैं कहीं से रोड मिल जाए जहाँ से हम लोग बाहर निकल सके और ई रिक्शा मिल जाए तो सीधे यहाँ से जाना है हम लोग को जामा मस्जिद के लिए रिक्शा मिल जाए ये भी एक बहुत बड़ा स्ट्रगल है देखो मिलता है कि नहीं मिलता है सुनसान गलियाँ होटल्स नींद पूरी तरह से हुई नहीं है बाहर निकले भी हैं तो गाइस ऐसा लग रहा है कि दुबई की तरह गर्मी मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है यहाँ से निकलेंगे कहाँ से बहुत मुद्दतों के बाद एक ऑटो दिखे गाइस लेंगे कि नहीं लेंगे कैसे आप सभी लोग गए लोग दिल्ली की शहर में दिल्ली के शहर में दिल्ली शहर बिगचोदी हो रही है अरे
भाई ऑनलाइन लोगे? रात में गए नहीं। अच्छा भाई ऑनलाइन लोगे? ऑनलाइन कैश नहीं है यार। 2 किलोमीटर जामा मस्जिद तो 150 रुपये मांग रहे। वाह गलत किया उसने। फाइनली बैठ गए हैं जामा मस्जिद के लिए। लाइट नहीं जल्दी आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा मगर मुझे दिख रहा है। तो गाइस इस समय हम लोग आ गए हैं जामा मस्जिद में रात के 3:30 बजे। सब कुछ तो एकदम बंद है लेकिन ये एकदम खुला है जामा मस्जिद। आप ये देख सकते हैं। एक बार लास्ट टाइम हम अय्यूब के साथ आए थे जब बाइक से आए थे ना तब आए थे जामा मस्जिद में और ठंडी थी पेल के। हम ऊपर मीनार पे जा चुके हैं बेटा। झूठ थोड़ा हद से बोला यार। कसम से। क्या कैसे चले गए थे? रस्सी से भाई 50 रुपये टिकट लगती है। कसम से झूठ नहीं बोलते भाई। तो कितना फ्लोर होगा? आजकल अलजवार में एक रोटी बनाने वाला था जो हमको जानता है। भाई ये खाना है थोड़ा तीन रबड़ी वाले या नहीं? नहीं नॉर्मल मतलब यही वाला बस। आरिया गाइस हम लोगों ने खा लिया है। सुबह सुबह का टाइम है, अजान हो रही है और जामा मस्जिद में अजान हो रही है। आई डोंट नो, मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि जामा मस्जिद में फजर की नमाज पढ़ने के लिए खोलेंगे कि नहीं खोलेंगे। खोलेंगे अच्छा मैं आप लोग को बता दूं गाइस, ये अल जवार ये वो साहिर और ये सब लाइन खाने का करीम सी सब देख रहे होंगे। तो ये सब कौन है? ये सब ये लोग हैं जो शासन काल में जब ये सब बना था जो भी होंगे यहाँ के बादशाह उनके घर में ये लोग खाना बनाते थे। उनके घर में इन लोगों की रेसिपीज बनती थी। तो जब सब कुछ बटा तो अपनी अपनी रेसिपीज लेके इन लोगों के दादा परदादाओं ने सामने ही अपनी अपनी दुकानें खोली। ये सच है। ये सब खाना जो बन रहा है ना ये सब राज दरबार में बना करता था। ऐसा सीन था।